आप जो कुछ भी कहो, मतलब जितना भी मसाज लो या गौमूत्र पियो या जो कुछ भी है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्रेन्स, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. जो एक्चुअल एनिमी है वो इंटेलिजेंस है, और स्टूडेंट्स एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट दैट. गुजरात मॉडल अलग है, ये अलग है, क्योंकि ये JNU, जामिया, AMU सारे जो स्टूडेंट्स के खिलाफ एक जैसा अटैक कर रहे हैं लोग, जो मैं पहले से ही कह चुकी हूँ, इनका जो एक्चुअल एनिमी है वो इंटेलिजेंस है, और स्टूडेंट्स एज अ कम्युनिटी रिप्रेजेंट दैट. तो वो JNU को छोड़ेंगे नहीं, वो ख़त्म करना चाहते हैं. बहुत साल से ये चल रहा है, और इसीलिए ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि JNU में बहुत से डिप्राइव्ड घरों से, दूसरे जो जातियों से जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है, वो चाहते नहीं हैं. वो एक पुराना उनका प्राइवेटाइजेशन और एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी लेके वो एक पुराना दौर पर ले जाना चाहते देश को, ब्राह्मणवाद वापस लाना चाहते. बहुत अलग अलग दरवाजे हैं जिससे वो घुसरे हैं. NPR CAA भी है, बट दिस अटैक ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज अ वेरी वेरी सीरियस. जैसे ये जो अटैक है, प्राइवेटाइजेशन है, इनइक्वालिटी है, ये अभी नहीं शुरू हुआ है, बहुत सालों से चल रहा है. लेकिन जब भी उसके बारे में 20 साल पहले मैं बात करती थी, तो लोग मुझे कहते थे कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो रेप्यूटेशन है एज अ ग्रेट डेमोक्रेसी, उसमें इंटरनेशनल फोरम में बात करने से कोई सुनता नहीं है, क्योंकि इनका इतना बड़ा एक बैंक बैलेंस है, वो ज़ीरो से नीचे आ चुका है. अब आप मीडिया को पढ़ लें या दूसरा यूनिवर्सिटी में जाएं, ये जो स्ट्यूपिडिटी है ना, जो इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में कहे जाते हैं, या आप जो कुछ भी कहो, मतलब जितना भी मसाज लो या गौमूत्र पियो या जो कुछ भी है, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्रेन्स, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंटेलिजेंस. ये आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि ये पुराना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली बात नहीं है, एक नया बात है, और उसमें जाति भी आता है और क्लास भी आता है और बहुत कुछ और भी आते हैं. और इसमें उम्मीद है, इन बच्चों के साथ उम्मीद है कि वो ये चीज़ें भी समझ रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन बहुत काम है आगे. लेकिन उम्मीद है कि देखिए, ये जो कहते रहते ना कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान को तोड़ने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे 700 से ज़्यादा लैंग्वेज बोला जाता है, बहुत सारे मज़हब है, बहुत सारे कास्ट नेशनैलिटी सब कास्ट, ये एक कॉन्टिनेंट है. आप इसको जितना भी निचोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उतना ये टूट जाए. बिल्कुल इनका पुराना एजेंडा है, 1925 से चलते आ रहा है, और इसीलिए इस देश को इस दौरा से गुजरना पड़ा है. और मुझे ने मतलब 2 महीने पहले मुझे लगा कि ये लोग जीत रहे हैं, अभी मुझे नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि लोग वापस हटेंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि ये आंदोलन, ये ज़रूरी नहीं है कि 4 साल के लिए हमें रोज़ सड़क में रहना पड़ेगा. लेकिन उनका जो एक ही एजेंडा था ना, हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट प्राइवेट, ये सब सबका जवाब आप दिस न्यू जनरेशन इनके हाथ में है, तो ये सफल नहीं होगा कभी नहीं. नक्सल, हम सिर्फ अर्बन नक्सल नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, सारा अर्बन नक्सल है, रूरल नक्सल है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, जो कुछ भी है. दुनिया में आपका सम्मान बढ़ता है, मैं यही हूँ जो मैं लिखती हूँ, उसके लिए आप कोई भी लेबल ले लो, लेकिन जो मैंने लिखा है वो ब्लैक एंड वाइट में है, लोग पढ़ सकते हैं. और दो सवाल ले लेते हैं.